हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टीएच एडवाइज। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप अपने चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक मेल आता है और उस मेल में दिया होता है यू आर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, और उस मेल के अंदर भी एक मेल दिया होता है और उसमें बताया गया होता है कि आपने पहले से एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया है जिसकी जीमेल आईडी ये है। दोस्तों, फिर भी क्या होता है, कुछ भाई हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि हमने एडसेंस अकाउंट पहले बना लिया है या नहीं बनाया है। बनाया है तो जो जीमेल आईडी दिखा रहा है ये जीमेल आईडी क्या है और इसका पासवर्ड भी क्या है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको इस इशू को कैसे फिक्स करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन पर भी टच कर देना। दोस्तों, इन भाई की एक हम छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं जिनका आज चैनल हमने फिक्स किया, जिनकी प्रॉब्लम को आज हमने फिक्स किया है, तो चलिए सुन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश कुमार। फ्रेंड्स, YouTube पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है प्रियल जोहार। मेरे YouTube चैनल का जो एडसन अकाउंट है जो डिसेबल हो गया है, क्योंकि मेरा एडसन अकाउंट पहले से बना हुआ था, फिर भी मैंने दूसरे अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया जिसके कारण एडसन अकाउंट मेरा डिसेबल हो गया। मुझे काफ़ी दिनों से मदद की ज़रूरत है, फिर भी कोई भी मुझे मदद नहीं कर रहा। मैंने YouTube पर जाके सर्च किया इस प्रॉब्लम के बारे में, फिर भी मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिला। फिर भी मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखा, उनको इन वीडियो को देखकर मैंने ट्राई किया, फिर भी कुछ काम नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि बार बार इसको करने से कहीं मेरा हमेशा के लिए डिसेबल हो जाए एडसन अकाउंट, इसलिए मैंने एक चैनल है जिसका नाम है डीएस एडवाइस, इन भाई का चैनल देखा मैंने। फिर उनके भाई का वीडियो देखकर मैंने उनके वीडियो पे कमेंट किया, फिर भाई ने मुझे 1 से 2 घंटे में रिप्लाई दिया। फिर उन भाई ने मुझे आईडी पासवर्ड मांगे, मैंने दे दिया सब कुछ, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी कुछ मांगा भाई को मैंने दे दिया। फिर भाई ने 2 दिन में उनसे दिया मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने जो मेरी हेल्प करने के लिए, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, तहे दिल से थैंक यू भाई। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपने लैपटॉप में एक चैनल को ओपन कर लिया है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल पर भरोसा करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड हमें दिए। दोस्तों, अब हम सबसे पहले चलते हैं मोनिटाइजेशन पर। तो जैसे हम मोनिटाइजेशन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इशू आ जाता है, एरर आ जाता है। और ये एरर क्यों आया है जानने के लिए हम आए थे मेल आईडी पर। तो जैसे हमने मेल आईडी ओपन किया तो उस पर ये वाला मेल आया हुआ था, यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, जिससे हमें पता चल गया है कि इनका यो प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम आने का कारण है कि इनका पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ था और इन्होंने अपना एक और न्यू एडसेंस अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, जिसके चलते ये वाला इशू आया है। और हम अब चलते हैं गूगल एडसेंस में। जैसे हम गूगल एडसेंस में आते हैं तो यहाँ पर ये इशू आ रहा है। अब हम पहले इस एडसेंस अकाउंट को कैसे डिलीट करें जिससे दूसरा कोई न्यू अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आसानी से इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना, जिससे आपके सामने कभी भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसे आप चुटकियों में फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपनी जीमेल आईडी में आना होगा। उसके बाद आपके सामने जो लोगो होता है, जीमेल आईडी का लोगो होता है, आपको उस पर एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है। तो आपको करना क्या होगा, पेमेंट एंड सब्सक्राइबेशन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको अब करना क्या है, पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक, मैनेज पेमेंट मेथड पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा जो इस प्रकार है। दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अगर आप
मोबाइल से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं। तो जो आपके सामने ये चारों ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन सर्विस, पेमेंट मेथड, एड्रेस एंड सेटिंग, तो ये चारों की चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे एक लाइन में मिलेंगे। अब आपको करना क्या होगा, सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आपके एडसेंस अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहा है पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस, यहाँ पे आपको करना है क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके सामने क्लोजिंग योर पेमेंट प्रोफाइल, यहाँ पर आपको एक रीजन सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल पे यहाँ पर आपको एक रीजन सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं एक रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रीजन सिलेक्ट करता हूँ, आई डू नॉट नीड दिस प्रोफाइल एनी मोर। तो आप कोई भी रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ये वाला करता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, क्लोज पेमेंट प्रोफाइल कर देना होगा। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो इस प्रकार का है। दोस्तों अब आपको करने क्या होगा, दोबारा से अपने चैनल पे आना होगा और आपको वहीं पे उसी ऑप्शन पे आना है, मोनिटाइजेशन वाले पर। अब आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वो समझाने के लिए मैं जीमेल आईडी पर आता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो अच्छे से समझ लेना होगा, वरना फिर आपसे कहीं वही गलती ना कर दे जिसके चलते हुए आपके चैनल पर फिर से यही इशू आ जाए। तो आपको यहाँ पे समझना है, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीमेल आईडी दिखा रहा है आपको, KUM कुमार के नाम से कोई ईमेल आईडी दिखा रहा है। अगर आपके पास ये वाली ईमेल आईडी और इसका पासवर्ड है तो आप इस ईमेल आईडी को पासवर्ड को लॉगिन करके पहले वाले अकाउंट को डिलीट कर दोगे तो आपके नाम से दूसरा एडसेंस अकाउंट बन सकता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि हमारी ये ईमेल आईडी कंप्लीट क्या है और इसका पासवर्ड ही क्या है। दोस्तों अगर आपको इस ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल आईडी जैसे कि यूजर नेम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना होगा, ये बातें आपको अच्छे से समझना होगा। ऐसी कंडीशन में चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आपको करना क्या है। मोनिटाइजेशन वाले पेज पर आते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, फिक्स इन एडसेंस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले नंबर पे तेरा यस आई हैव एन एक्सेप्टेड अकाउंट, पहले का मतलब है क्या आपके पास पहले से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, और दूसरे पे है नो आई डू नॉट हैव एन एक्सेप्टेड अकाउंट, इसका कहने का मतलब यह है क्या आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों इन भाई का पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अच्छा है इनके पिताजी के नाम से बना हुआ है और सब कुछ सही है। तो मैं इस एडसेंस अकाउंट को इससे लिंक करके आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आपके पास एक एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपके पास ऑलरेडी नहीं बना है, तो आपको करने क्या होगा, ऐसे में एक जीमेल आईडी न्यू क्रिएट कर लेनी होगी। दोस्तों तो चलिए हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है, तो यस आई हैव एन एक्सेप्टेड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो मेरे पास इनका ये जीमेल आईडी ये है, इस पर इनका ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है जो बढ़िया है, अच्छा है, तो मैं इसको लिंक करके दिखाने वाला हूँ। चलिए सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके चैनल की URL लिंक है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको करना क्या, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर उसी पेज पर पहुंचा देगा जहां से हमने मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली इन भाई की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप टू पे यू हैव सक्सेसफुली लिंक एंड एडसेंस अकाउंट, जो इनके भाई का चैनल देख सकते हैं आप यहाँ पे लिंक हो चुका है और जो यहाँ पे इशू आ रहा था, जो प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रही थी, वो फाइनली सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों अब देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे स्टेप थ्री पर इन प्रोग्रेस गेट रिव्यू, दोस्तों अब इनका चैनल अंडर रिव्यू में जा चुका है मोनिटाइजेशन के लिए।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्टर डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे वहाँ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं।